तो नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक किसान के बेटे ने एक बाइक से, जुगाड़ से एक रोड रोलर बनाया है। तो चलो मिलते हैं उनसे, उन भाई साहब से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये आइडिया आपको कैसे आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजू। और आपको ये रोड रोलर का आइडिया कैसे आया? आइडिया बस ऐसा ही आ गया, कुछ काम ही ऐसा है हमारा, तो आइडिया तो आते रहते हैं, उठ पटांग दिमाग में, सब कुछ ऐसे चलता है। तो इसके बनाने के पीछे आपका क्या रीजन था? रीजन कुछ नहीं है, रीजन यही है हमारा कि हमारा यूट्यूब का चैनल है HR एक्सपेरिमेंट के नाम से। अच्छा जी। तो उस पर ऐसी अमेजिंग वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो इसीलिए हमारे दिमाग में यार एक आइडिया आ गया कि रोड रोलर यार किसी ने नहीं बनाया, डबल टायर का, सिंगल टायर का तो काफी बंदे उन्होंने बना रखा है, आगे आगे वाला टायर, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार पीछे वाला टायर भी लगाते हैं तो फिर ये बन जाएगा पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोड रोलर। तो ऐसे ही बना दिए हमने ये रोड रोलर। तो इसे बनाते हुए आपको कितना समय लग गया? इसको बनाते समय मेरे को करीबन 5 दिन लगे। 5 दिन लगे। और अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा यही आपके सामने देख लो सामने। और ये सक्सेस है क्या आपने जो बनाया है चलने में? सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने चला के देखा, यहीं पे टेस्ट करके देखा, तो बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो आप हमें भी थोड़ा चला के दिखाइए इसको। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। तो आप हमें चला के दिखाइए इसको। चलिए दिखाता हूँ अभी मैं आपको। ये बाइक की तरह ही चलता है, जैसे सामान्य बाइक होती है अपनी, चलती है ना उसी तरह से चलता है। हाँ सही है, बिल्कुल आसानी से चल रहा है। चलाओ चलाओ, थोड़ा चला के दिखाओ। मेरे को लगता है ऐसे रोड रोलर या अमेजिंग इफेक्ट वाली, मतलब मैं दिखती है जो बनाऊंगा ना, तो मेरे हिसाब से ये मतलब फिल्मों में भी इसका यूज होने लग जाएगा। ये बात है क्या? हाँ हाँ स्लो रेस है। तो आपने जो चेन का सेट किया था, चेन सेट वाला, तो ये कैसे किया आपने? ये देख सकते हो आप, मैंने ये जो एक पूरा का पूरा जो ड्रम है लोहे का, इसको बीच में से कट किया। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि यार काफी बंदे बोल रहे थे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, तो मैंने कट लगाया और यहाँ पे मैंने लोहे की राडे हैं, मतलब सरिया बोल सकते हो, वो लगा दिए, ठीक है। तो बीच में इसकी जो लाइनमेंट है वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था मिलाना। सही है। तो लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मिला दी इसकी लाइनमेंट और फिर ये बन गया एक रोड। और अगर इसके ब्रेक की बात करें तो आपने ब्रेक का कोई सिस्टम दिया है या? ब्रेक का सिस्टम अभी मैंने नहीं दिया है। अभी नहीं दिया है क्योंकि मेरे को ब्रेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ये ऑफ रोडिंग करनी है। हाँ हाँ सही है। इसलिए ब्रेक की लोड नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ ज्यादा जनता थोड़ी है, कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए, मजे करने के लिए बनाया मैंने। तो आपने जरूरत पड़ती है ब्रेक की तो बिल्कुल मैं लगाऊंगा ब्रेक, इसके अंदर लगेंगे बिल्कुल ब्रेक आगे और पीछे दोनों के। तो आपने इतने बड़े ड्राम लगा दिए तो इसमें कोई बाइक की एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? एवरेज पे तो जैसे एवरेज के लिए तो मैंने मनाया नहीं है, क्योंकि एवरेज कौन देखेगा वीडियो बनाएगा, तो मजे लेने के लिए ये बताओ मेरे को। सही है, आपकी बात भी सही है। धन्यवाद भाई साहब आपका, हमारे को ये आपका इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और HR एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल है जो इनका, राजू जी का, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। एक मिनट रुको, हमारे चैनल का जो लिंक है वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना। हाँ जरूर दे देंगे, ठीक है, ओके ओके जी। अगर और भी ऐसी वीडियो आपको बनाना है तो मैं अमेजिंग व्हीकल बनाता हूँ, तो आप जरूर बनाना, ठीक है जी। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।